बजट सत्र की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले से घटी है। फिलहाल फरवरी 2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6,46,000 है, जबकि दिसंबर 2014 में यह संख्या 7,86,000 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। 7.46 और 7.86 दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बड़ी है कि घटी है हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है, तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया, लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहां 9.3 लिखा है ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अभी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, ये अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए और सब छाप लिया जाए। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं, मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2.something% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2.something नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है, उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5,000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5,000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है, 1,86,00,000 में अगर 5,000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब का, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस वाले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा